आज हम पढ़ने वाले हैं बजट। क्या पढ़ने वाले हैं? बजट। तो बजट के ऊपर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और अपना वक्तव्य बोल भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, यूट्यूब पे भी चल रहा है और आप भी कहीं ना कहीं सुने होंगे। आज मैं एक बजट के ऊपर तो बात करूंगा ही, लेकिन बजट के छोटे से हिस्से के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि एक लंबा वीडियो बन जाएगा और आपका भी क्लास एक घंटे का है, इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इसको 10 पार्ट में बनाने की कोशिश करूंगा, अलग अलग हिस्से को अलग अलग वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आज मैं MSME के ऊपर बताने वाला हूँ, कल मैं स्टार्टअप के ऊपर बताऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बताऊंगा, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिजिकल डेफिसिट के ऊपर बताऊंगा। अलग अलग टॉपिक अलग अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा मैं आपके लिए। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट से कि बजट एक्चुअली में होता क्या है। क्या आप सबको पता है बजट क्या होता है? कोई नहीं, मैं बता दूं बजट क्या होता है। कहते हैं जो एक पिता जब सैलरी लाते हैं, जब एक पिता सैलरी लाते हैं, कुछ पैसे से बिजली पानी का बिल भरते हैं, कुछ पैसे से बिजली पानी का बिल भरते हैं, कुछ से खर्चे करते हैं, कुछ से खर्चे करते हैं और कुछ बचाते भी हैं। इसी बड़े प्लानिंग के साथ अपने घर को चलाते हैं, जिसे हम आम बजट कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। तो आज हम इसी बजट को पढ़ेंगे कि कितना भारत ने एक साल में, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कितना कमाए, 2023-24 में कितना कमाएंगे और 2023-24 में कितना खर्च करेंगे और कहां कहां से कितना कितना पैसा आएगा, ये सारे चीज हम इसमें कवर करेंगे। लेकिन आज हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं MSME के ऊपर। किसमें? MSME के ऊपर। चलिए तो आज शुरू करते हैं MSME के ऊपर अपना एक छोटा सा लेक्चर। MSME, आपको हैरानी होगा एक आंकड़ा जानकर के, जो कि भारत सरकार के द्वारा निकाली गई थी। वो आंकड़ा है आपके सामने कि अगर आपको बताया जाए कि MSME भारत का बैकबोन है। क्या है? भारत का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है MSME। और आप बोलेंगे ये कैसे, मुझे बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ, इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने आज तक एक कहावत सुनी होगी। क्या सुनी होगी? हमने एक कहावत सुनी होगी, धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। गुजराती का एक डायलॉग है, यही डायलॉग है कि धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार MSME जो है वो छोटा धंधा होता है। मतलब छोटा धंधा मतलब यहाँ पे छोटे उद्योगपति होते हैं, मतलब छोटे व्यापारी होते हैं। MSME जितने भी आप सुनते हैं भारत में, वो सारे क्या होते हैं? छोटे व्यापारी होते हैं। लेकिन इसी से देश चलता भी है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ओवरऑल पूरे भारत में कितना, ओवरऑल पूरे भारत में आपका 13 करोड़, कितना? 13 करोड़ MSME मतलब छोटे व्यापारी हैं। छोटे व्यापारी MSME में कितने? 13 करोड़। एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूट करते हैं 45% मैन्युफैक्चर इन इंडिया। मतलब क्या? जितना भी, अगर मान लीजिए 100% होता है मैन्युफैक्चर इंडिया में, 100% में से आपका 45% मैन्युफैक्चर कौन करते हैं? आपका MSME करता है। कितना करता है? 45% MSME मैन्युफैक्चर करता है। आप सुई से लेके हवाई जहाज तक का छोटे व्यापारी क्या करते हैं? MSME में 45% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। और आप सुनिए, कंट्रीब्यूट करते हैं ये 30% ऑफ टोटल GDP। किसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? GDP में। कितना? 30% GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सोचिए 45% जो पूरे मैन्युफैक्चरिंग का हब है और
30% क्या है जीडीपी कंट्रीब्यूट है एमएसएमई का, तो सोचिए भारत सरकार के द्वारा बजट फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में कितना पैसा एलोकेट हुआ है उनके लिए, उनके मदद करने के लिए। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, न पक्ष न विपक्ष दोनों की बात करेंगे और अपना भी सजेशन दूंगा क्या बेहतर हो सकता था, और न पक्ष न विपक्ष उदासीन रह के मैं इस तथ्य को आपके सामने प्रस्तुत करने की एक कोशिश या चेष्टा करता हूं। आई होप आपको पसंद आए। और तो और मैं बता दूं, पूरे भारत में जो आपका एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट में भी 40% कितना 40% एमएसएमई आपका भूमिका निभाती है, मतलब एमएसएमई कंट्रीब्यूट द 40% ऑफ एक्सपोर्ट टोटल इन इंडिया एंड 30 करोड़ पॉपुलेशन इन इंडिया एमएसएमई छोटे व्यापारी है 30 करोड़। और मैं आपको अगर आंकड़ा बताऊं तो फोर्स बिहाइंड 90% क्या है आपका, मतलब 90% क्या है आपका इंडस्ट्रियल यूनिट, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये कमीज पहना हूं, टी शर्ट पहना हूं, तो ये छोटे व्यापारी ने ही बनाया होगा। अगर मैं इस पेन को पेन से लिख रहा हूं तो इसे भी छोटे व्यापारी ने ही बनाया होगा। तो ये सारे जितने छोटे छोटे काम देखते हैं वो सारे कौन करते हैं आपके एमएसएमई के द्वारा किया जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब 95% क्या है आपका इंडस्ट्रियल यूनिट है एमएसएमई का। वहीं में बात करें 40% जो आपका एम्प्लॉयमेंट देता है, कौन देता है वर्क फोर्स का 40% एम्प्लॉयमेंट कौन देता है आपका एमएसएमई देता है, कौन देता है 40%। तो सोचिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूट है एमएसएमई का भारत में, तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा बजट में क्या क्या एलोकेट हुआ है वो जानते हैं। अब उसमें चलते हैं, पहला पॉइंट बजट क्या एलोकेट क्या हुआ है। पहला है आपका 9000 करोड़, कितना 9000 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ है कहां एमएसएमई ने, कहां हुआ है एमएसएमई ने। और आपको बता दिया जाए एमएसएमई को 1% से कम ब्याज दर पर भी ब्याज मिलेगा, मतलब कि जहां पे आपका 2% 4% पहले हुआ करता होगा, अब आपको 1% से भी कम पर इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा और आपको लोन मिल जाएगा। मतलब दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट है 1% से भी कम में आपको क्या मिलेगा लोन मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरा एलोकेट क्या हुआ है इनके लिए, तीसरा एलोकेट हुआ है 2,00,000 करोड़ के कर्ज बांटे जाएंगे। दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ है 2,00,000 करोड़ के क्या होंगे आपके जो कर्ज होंगे, लोन होंगे, कर्ज लोन, उसको क्या होंगे होंगे अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये तीन चीज आपका मेन मुद्दा निकल के आया है भारत सरकार के फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के बजट में, जो कि भारतीय की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा बताया गया है। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं कि इसके हिट पॉइंट कौन से हुए, हिट पॉइंट भी बताया जाएगा और जो हिट नहीं भी रहे वो भी बताया जाएगा, आपको पक्ष न विपक्ष पूरा न्यूट्रल होकर बताया जाएगा। पहली बात करता है कि हिट क्या रहा इस बजट में, ओनली वेन कॉर्पोरेट विल पे एमएसएमई विल गेट इनकम टैक्स क्रेडिट, इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने इंग्लिश से बोला, मैंने कहा विल हेल्प एमएसएमई विद रिकवर द पेमेंट इन कॉर्पोरेट वर्ड टू एमएसएमई। मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे अंग्रेजी भाषा का शब्द को मैं डिफाइन करना चाहूंगा, मान लीजिए अगर एक कॉर्पोरेट वर्ड है, क्या है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक कंपनी है, क्या है कंपनी है,
और एक एमएसएमई का एक क्या है, व्यापारी है। क्या है? व्यापारी है, ठीक है। मान लीजिए यहां पे एग्जांपल, मान लीजिए इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका जो कंपनी है, इस ये कंपनी क्या करती है, ये बनाती है आपकी एलईडी लाइट। क्या बनाती है? एलईडी लाइट। एलईडी लाइट बनाती है। इसका जो रॉ मेटेरियल होता है, एमएसएमई जो काम करती है ना, वो रॉ मेटेरियल पे जाकर काम करती है। तो एमएसएमई जो काम करेगी, इस कंपनी के द्वारा इनको क्या जाता है, टेंडर दिया जाता है कि आप मुझे बल्ब जो यूज होता है मरकरी, जिससे लाइट चलता है, उसका प्रोडक्शन करो। क्या करो? प्रोडक्शन करो। मान लीजिए इसे प्रोडक्शन किया, क्या क्या इसे प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन करने के बाद क्या होगा, इसको पैसे देने होंगे कंपनी को। उसको क्या देने होंगे? पैसे। तो भारत सरकार ने क्या किया, पहले की कंपनी जो थी वो डीले करती थी पैसे को पेमेंट देने में, पैसे को देने में पहले डीले करती थी। भारत सरकार बजट में ये कह दिए कि अब कोई भी डीले नहीं चाहिए, मुझे कंपनी के द्वारा, जो कॉर्पोरेट कंपनी है उनके द्वारा एमएसएमई को जितने पैसे दिए जाएंगे वो तुरंत दिए जाए। पहला काम ये अच्छा हुआ। दूसरा क्या काम अच्छा हुआ, एक्सटेंड ईसी एलजीएस इजी। क्या मतलब हुआ इसका, एक्सटेंड हुआ। किस चीज़ एक्सटेंड हुआ? मैं एक्सटेंड की बात कर रहा हूँ। किसकी? एक्सटेंड की। किसकी? ईसी एलजीएस। अब ये ईसी एलजीएस क्या है, इसका मतलब है इमरजेंसी क्रेडिट, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जनरेट स्कीम। क्या? गारंटी स्कीम। क्या? इमरजेंसी। ई का मतलब है इमरजेंसी, सी का मतलब है क्रेडिट, एल का मतलब क्या है, लाइन, और जी का मतलब क्या है, गारंटेड, और एस का मतलब क्या है, स्कीम। इसका मतलब यह हुआ कि इस पे ज्यादा काम किया गया भारत सरकार के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट में, इसको एक्सटेंड किया गया। और इन्होंने किया, जैसे कि जो ECLGS है इसमें 89% किसका फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, एमएसएमई छोटे व्यापारियों का। तो ये दूसरा काम अच्छा किया भारत सरकार के द्वारा, अच्छा काम किया गया बजट के, बजट 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में। और ये पहला काम था आपका, ये दूसरा काम ये हो गया, एक्सटेंड किया गया। तीसरा काम, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जियोपॉलिटिक्स में जितने भी आपका क्या बोलते हैं, कोई भी घटना घटित होता है, तो आपका आपके देश में एमएसएमई के व्यापारियों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, क्रूड ऑयल क्या है, क्रूड ऑयल पहले पैंडेमिक आने से पहले, बिफोर कमिंग द पैंडेमिक एज अ कोरोना वायरस COVID-19 एज अ वन बैरल किसका, वन बैरल क्रूड ऑयल का दाम पता कितना था, क्रूड ऑयल का आपका दाम था कितना, $61 बिफोर पैंडेमिक, एंड आफ्टर 2022 आफ्टर पैंडेमिक गॉन क्या हो गया, $103 का हो गया वन आपका क्या, बैरल क्रूड ऑयल। आप पूछेंगे क्रूड ऑयल के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्रूड ऑयल एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। जैसे कि मैं बताऊं इसका यूज कहां है, क्रूड ऑयल इज यूज्ड इन इंपोर्ट फॉर अ मैनी एमएसएमई सेक्टर्स, मतलब एमएसएमई सेक्टर में इंपोर्ट में आंदोलनी तरीके से बहुत काम आता है क्रूड ऑयल। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, केमिकल के लिए, डाई के लिए, केमिकल के लिए मतलब कि मान लीजिए स्पेन में इंक आ रहा है, तो वो इंक कहां से आ रहा है एग्जांपल के तौर पे, या फिर डाई के लिए मतलब ये कपड़े में जो कम पिंक कलर दिख रहे हैं आपको टी शर्ट, ये पिंक कैसे हुआ, डाई किया गया,
या फिर तीसरा एग्जांपल दूं फिगमेंट के लिए, चौथा एग्जांपल दूं कंस्ट्रक्शन द रोड, रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या यूज आता है आपका क्रूड ऑयल आता है यूज। तो एमएसएमई पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है जब जियोपॉलिटिक्स में कोई भी घटना होता है। ये क्यों हुआ था, इतना महंगा क्यों हुआ था, $61 से $103 में क्यों हो गया, $103 क्यों हो गया, इसलिए क्योंकि उस समय यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा था। पहला। दूसरा स्टील प्राइस, जहां पे स्टील प्राइस आता कितना था, 39,000 रुपए टन था, कितना था 39,000 कितना था टन था, वहीं पे आपका आफ्टर, ये बिफोर पेंडेमिक था, क्या है ये बिफोर पेंडेमिक, वहीं पे आफ्टर पेंडेमिक कितना हो गया ये 67,000 टन हो गया। ये मैं किसी बात कर रहा हूँ स्टील की बात कर रहा हूँ, किसी बात कर रहा हूँ स्टील की। इसी प्रकार मैंने कहा ECLGS ये क्या करती है, कंट्रोल फ्री लोन, क्या करती है कलेक्टेड फ्री लोन, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि 2,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा लोन इन क्रेडिट, जो कि मैंने पहले बता दिया था कि 2,00,000 रुपए क्या किया गया इसके तहत, क्या किया गया है लोन को कर्ज को क्या किया जाएगा क्रेडिट किया जाएगा, और गारंटेड स्कीम 1% क्या दिया लेजर 1% 1% से कम क्या दिया लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और 2,000 करोड़ इंटरेस्ट सेविंग किया जाएगा इसके तहत। अब यहां पे एक एग्जांपल देते हैं, ये सारे काम हो चुका सरकार के द्वारा, सारे काम हो गया, एक चीज एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी है, क्या है बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी है, वो क्या करती है कोई जैसे मान लीजिए कार बनाती है, ठीक है मान लीजिए जैगवार कार बनाती है, जैगवार कंपनी, मारुति कंपनी कार बनाती है, ठीक है। एमएसएमई को उसने क्या दिया, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में 2020-21 के समय में जब पेंडेमिक आया था उसमें क्या हुआ था, आपका कार का जो कार में चिप लगती है जिसके कारण कार पूरा कंट्रोल होता है, वो चिप ना नहीं आया, पता है क्यों, क्योंकि चाइना ने क्या कर दिया था उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था, जिसके कारण पूरे दुनिया में कार की प्रोडक्शन कम हो गया था, साथ ही साथ इंडिया में, क्योंकि वो चिप नहीं मिला था। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए मारुति सुजुकी के द्वारा कोई भी काम दिया जाता है एमएसएमई व्यापारियों को, जैसे मान लीजिए वो एस्केलेटर होता है, एस्केलेटर बनाने के लिए दिया जाता है एमएसएमई को मारुति सुजुकी के द्वारा, ठीक है मान लीजिए, और जब दिया जाता है तो मान लीजिए कि 200 की जो है एक्सीलेटर का काम दिया गया और इनके द्वारा एमएसएमई व्यापारियों के द्वारा बना करके दे दिया गया, पॉइंट वाइज बना के दे दिया गया, लेकिन उनको जो मारुति सुजुकी जो कि कॉर्पोरेट कंपनी है उनके द्वारा पैसा कब मिलता है, 3 महीने बाद 6 महीने बाद 1 साल बाद, मान लीजिए 200 एक्सीलेटर का दाम आया 1 करोड़ रुपए, तो ये 1 करोड़ कब देंगे ये 6 महीने बाद। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए ही है सिर्फ और मैंने उसको एक्सीलेटर बनाने में खत्म कर दिए और वो मैं बना करके क्या कर दिया मारुति सुजुकी कंपनी को, जो कि कॉर्पोरेट कंपनी है उसको मैंने सप्लाई कर दिया, अब मेरे पास पैसे नहीं बचे, कैपिटल नहीं बचे, मतलब वर्किंग कैपिटल नहीं बचे, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है आपका जो पैसा काम में लगाया जाता है उसे ही वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो एमएसएमई के पास वर्किंग कैपिटल नहीं बचा, जिसके कारण क्या होगा वो अपना मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा, मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा, तो मैंने जो ये सारे आंकड़े बताए थे आपको ये सारे देश पे हावी हो जाएगा, 13 करोड़ क्या है एमएसएमई है और 40 करोड़ में से 45% मैन्युफैक्चर होती है, वो 45% मैन्युफैक्चर होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपके पास वर्किंग कैपिटल है ही नहीं, तो कहां से होगा। इसीलिए मैं भारत सरकार से एक अपील करूंगा, देखिए अब ये
मतलब डिले पेमेंट ना हो, जिससे कि कैश फ्लो क्या हो, रोटेट होते रहे, क्या हो, रोटेट होते रहे। रोटेट होने से क्या होगा, अगर इसने 200 एक्सेलेटर बना के दे भी दिया, इसके पास पैसे तुरंत आ गए, तुरंत आने के बाद क्या होगा, दूसरे कंपनी का काम उठाएगा, काम उठाने के बाद क्या होगा, इसका पास मैन्युफैक्चर बढ़ेगा, वो जीडीपी में ग्रोथ करेगा, और एज वेल एज क्या करेगा, जो वर्क फोर्स है 40% उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होने से देश बच जाएगा। इसीलिए मैं देवभाग सरकार से अपील करूंगा कि तुरंत ही पैसा दिलवाया जाए एमएसएमई को कॉर्पोरेट वर्ल्ड के द्वारा। आज एमएसएमई की सबसे बड़ी समस्या उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। एमएसएमई समाधान योजना को एक बेटर मानते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि एमएसएमई जो है वो समाधान योजना जो कि भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है उसको बेटर मान दिया, और उसको जो आपका समाधान योजना है उसको एमएसएमई के लिए ये काम करना भी चाहिए कि जल्द से पैसा इसके पास पहुंचा दे, ताकि कैश फ्लो होते रहे, कैश फ्लो होते रहेगा तो आपका काम बनते रहेगा, काम बनते रहेगा तो ये सारे जितने भी मैंने डाटा बताए, आंकड़े बताए, ये सारे आंकड़े आपके बने रहे, भारत में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना बढ़े, जीडीपी ग्रोथ होते रहे ना कि डिक्रीज हो जाए, वहीं पर आपका ज़्यादा बढ़े कम ना हो, ये सारे बस फाइनेंस की जरूरत है एमएसएमई सेक्टर्स को, ठीक है। और छोटे व्यापारी एमएस समाधान जब एमएसएमई को कॉर्पोरेट सेक्टर से पैसा नहीं मिलती है तो भारत सरकार समाधान योजना ला रखी है जिसमें कॉल करके या सहायता लेकर के पैसा अपना निकलवा सकते हैं। लेकिन जब एमएसएमई के व्यापारी द्वारा कॉल किया जाता है तो 194 दिन, कितना 194, लगभग 6.5 महीना इसमें खपत हो जाती है। उनको फोन करके बोलते हैं, डिले होती है, बात इधर जाती है, वो मतलब डिले होती रहती है और 6.5 महीने तक काम नहीं चलता एमएसएमई का। तो सोचिए, थोड़ा सोचिए कि ये काम भारत सरकार को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था कि जो डिले पेमेंट हो रही है उसको जल्द से जल्द समाधान निकाल के तुरंत पैसा दे दिया जाए, जिससे कि जो वर्किंग कैपिटल है और जो कैश फ्लो है, ये जितना भी ये सारे काम है ये सारे रोटेट होते रहेगा तो भारत देश का ही ग्रो होगा। ये बजट में सबसे बड़ा कमी थी एमएसएमई सेक्टर के लिए। मैं अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अभी इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बाद स्टार्टअप, इसके बाद फिस्कल डेफिसिट, इसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब पे कितना पैसा लगा, इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, इन सब का अलग अलग सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि एक टॉपिक ही आपका 15-20 मिनट का हो जा रहा है। इसीलिए मैं एक एक करके सारे जीडीपी मतलब सारे बजट को समझाने की आपको कोशिश करूंगा। अब छोटे व्यापारी के पास पैसा रहता है और बैंक, अब देखिए क्या करते हैं, छोटे व्यापारी के पास पैसा होता है, ठीक है, पॉइंट करेगा बात को, गौर करेगा, जब छोटे व्यापारी के पास पैसा नहीं होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा एमएसएमई को पैसा नहीं दिया जाता है, फिर भी जितना लोन बैंक के द्वारा लिया जाता है एमएसएमई छोटे व्यापारियों के द्वारा, उस पे इंटरेस्ट और प्लस ईएमआई चलते रहता है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, 2 अक्टूबर हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, फिर भी सोते जागते हर समय इनके लोन पे इंटरेस्ट और ईएमआई बढ़ते रहता है, मतलब चलते रहता है। तो सोचिए, जब एमएसएमई पे पैसा ही नहीं है, फाइनेंस ही नहीं है, तो वो कैसे बैंक को लोन के बदले इंटरेस्ट और ईएमआई पे करेगा और कैसे अपना काम चलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप डायरेक्टली सुसाइड की तरफ राह मोड़ रहे हैं, सुसाइड नहीं तो जी फार, मतलब जी तोड़ मेहनत करने के बाद क्या होगी, एक जो बिजनेसमैन पैदा हुआ भी था भारत में उसको भी ले डूबे। इसीलिए भारत सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए अगले बजट में या फिर उससे पहले। अब बात करते हैं एक यहाँ पे लाइन, बिजनेस
में इंटरेस्ट, बिजनेस में इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि काम करने में इंटरेस्ट घट जाता है। बिजनेस में इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि काम करने में इंटरेस्ट घट जाता है। इससे क्या होता है? इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा आपके भारत देश पे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको डाटा इसीलिए बता दिया था कि आगे आप इसको समझ सके। अब बात करते हैं इसको कैसे ठीक किया जाए, क्या क्या ठीक किया जाए। तो मैं पहले बात करूंगा इफेक्टिव, इसकी अगर सॉल्यूशन पूछेंगे तो सॉल्यूशन है आपका इफेक्टिव, किसकी? इफेक्टिव कैश फ्लो। अब ये कैश फ्लो क्या है? रोटेट होते रहे, पैसा रोटेट होते रहे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेके एमएसएमई तक, एमएसएमई से लेकर पूरा मतलब रोटेट हो रहे, काम चलते रहे, तो उसे कहते हैं कैश फ्लो। कैश का फ्लो होते रहे। मैंने पेन बनाया, इसको बेचा, पैसे आए, फिर मैंने बनाया, फिर बेचा, फिर पैसे आए, ऐसे कैश फ्लो होते रहे। इफेक्टिव इसको ठीक करना चाहिए भारत सरकार को। दूसरा क्या ठीक करना चाहिए? इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल, मतलब इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल मैंने बता दिया, वर्किंग कैपिटल क्या है? जो कि काम किया जाता है, जिस पैसे से काम किया जाता है, जिस पैसे से ये पेन बन रहा है उसके वर्क के लिए पैसे, कैपिटल को इफेक्टिव तरीके से यूज करने के लिए भारत सरकार को इस पर काम करना चाहिए। डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग न्यू ऑर्डर, अगर न्यू ऑर्डर में प्रोसेस न्यू ऑर्डर में अगर कोई भी डिफिकल्ट आ रहा है, जैसे कि इसने पैसे नहीं दिए तो इसको प्रॉब्लम आ गया, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व भारत सरकार करे, इंटरेस्ट रेट घटा दे थोड़ा, या ईएमआई जो है उसको घटा दे, इस तरीके से आप भारत सरकार आप काम कर सकते हैं। तो तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग न्यू ऑर्डर। क्या? प्रोसेसिंग न्यू ऑर्डर, तीसरा, ये तीसरा सॉल्यूशन है मेरा। और चौथा सॉल्यूशन क्या है? चौथा सॉल्यूशन है आपका डिफिकल्टी इन फुलफिलिंग एग्जिस्टिंग ऑर्डर। मतलब मान लीजिए मुझे इस टी शर्ट का 1000 ऑर्डर मिला बनाने का, लेकिन मेरे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ इसको, कैसे फुलफिल कर सकता हूँ, बता सकते हैं आप? तो भारत सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? ज्यादा लोन देना चाहिए, कम इंटरेस्ट रखना चाहिए, ईएमआई भी कम रखना चाहिए। ऐसा हो सकता है अगर भारत सरकार चाहे तो क्या करना चाहिए? चौथा पॉइंट क्या करना चाहिए? फुलफिलिंग एग्जिस्टिंग ऑर्डर, जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसको फुलफिल करना चाहिए। ये तीन, पहला हो गया आपका क्या? पहला हो गया इफेक्टिव कैश फ्लो होना चाहिए, इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, प्रोसेसिंग न्यू ऑर्डर होना चाहिए, और चौथा क्या है आपका? चौथा आपका जो आपका फुलफिलिंग एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो है उसको फुलफिल करने में मदद करना चाहिए। और पांचवा है इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब ये जितने भी काम होंगे इसको इंक्रीज करना चाहिए ऑपरेटिंग साइकिल के तहत। एक ऑपरेटिंग साइकिल बनाया जाए जिसको एमएसएमई को कंट्रोल करने के लिए और उसको अच्छे से कॉर्पोरेट किया जाए। समझ आ गया? ये थे सॉल्यूशन। और बात करते हैं तो सरकार को क्या करना चाहिए, ये समझ में आ गया। और भी क्या करना चाहिए? जैसे कि 10.25 लाख करोड़ में से 8.5 लाख करोड़ मार्केट में फंसा हुआ है जिसका एमएसएमई छोटे व्यापारियों का, उसको निकालने में मदद करना चाहिए ताकि और आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़े, आपका जीडीपी ग्रोथ बढ़े और व्यापारी भी बढ़े। एमएसएमई में छोटे उद्योग को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, मेरा ये कहने का मतलब है। डिले और डिफॉल्ट को तीन तरीकों से क्या क्या रहता है ठीक किया जा सकता है। अगर इस सबसे पूछेंगे ना कि क्या कंक्लूजन निकला, तो तीन तरीके से इसको पूरे को सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। पहला बताता हूं, सुनिए। पहला
करते हैं प्रोवाइड फैक्टरिंग लोन, प्रोवाइड फैक्टरिंग लोन बेस्ड ऑन रिसीवेबल। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोवाइडिंग लोन क्या करना, प्रोवाइडिंग लोन रिसीवेबल मैंने बोला लास्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा एमएसएमई पर पैसा देना है उनको, उन्होंने नहीं दिया, लेकिन एक उनके पास स्लिप होती है, एक चेक के तौर पे एक स्लिप होती है जिसमें लिखा होता है कि इतना रुपए इसको देना है, तो मेरा भारत सरकार से एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन सब को उस रिसीव किए गए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन प्रोवाइड कर दिया जाए। पहला पॉइंट ये था, अगर मुझे किसी ने एमएसएमई के द्वारा कॉर्पोरेट सेक्टर एमएसएमई को किसी ने दिया पर्ची में लिखकर कि आपका 200 एक्सीलेटर के बदले 1 करोड़ रुपए हुआ, उसने मुझे पर्ची में लिख के दिया ये इतने रुपए हैं आपको 6 महीने बाद मिलेंगे, तो मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बैंक को कहे कि उस नोटेबल पेपर के बेस पर एमएसएमई छोटे व्यापारियों को क्या दे, लोन प्रोवाइड करे। पहला था, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, प्रोवाइड फैक्ट्री लोन ऑन द बेसिस ऑफ रिसीवेबल। दूसरा क्या था आपका, दूसरा है आपका क्रिमिनल पेनल्टी ऑन डिफॉल्ट चेक बॉन्स। मैं आपको बता दूं चेक बॉन्स क्यों बोला, आज से पहले भी चेक बॉन्स का था व्यवस्था, अगर चेक बॉन्स होता तो उनको जेल होता था, लेकिन मैं भारत सरकार से फिर से अपील करना चाहूंगा, अगर किसी के द्वारा कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा एमएसएमई को चेक दिया जाता है अगर बाउंस हो जाता है तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, या तो जेल भेजे या तो डबल पैसे दे, ये मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ। तो दूसरा क्या है आपका, क्रिमिनल पेनल्टी डिफॉल्ट चेक बाउंस, क्या क्रिमिनल पेनल्टी ऑन चेक बॉन्स, चेक बॉन्स को मैंने सी और बी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म। और तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका हैवी पर डे फाइन, फाइन इंप्लीमेंट, मतलब अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा एमएसएमई को पैसे जल्दी नहीं दिए जाते इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज तो उसके ऊपर हैवी लगाया जाए फाइन। अगर 1 करोड़ का पैसा फंसा है एमएसएमई का, इसके वजह से इतना सारा नुकसान होने वाला है, तो उसको क्या करना चाहिए, हैवी फाइन, 1 करोड़ के बदले उसे कितना देना चाहिए, 1 करोड़ 20 लाख, ऐसे हैवी फाइन लगाए ताकि कॉर्पोरेट सेक्टर जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सके पैसा। तो तीसरा मेरा पॉइंट ऑफ पॉइंट क्या है, हैवी फाइन। भारत सरकार ने बजट में तो ये सारी चीज दे दी है, 9000 करोड़ रुपए लोकेट कर दिया, 1% कम से भी आपको लोन मिल जाएगा, 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्रेडिट के तौर पे, लेकिन ये सारे जितने मैंने बताया ये सब तो नहीं हुए ना, तो ये सारे इसके अंदर ही आता है जो कि भारत सरकार को करना चाहिए, भारत के जीडीपी में कंट्रीब्यूट जो आपका 30% कर रहा है उसको बढ़ावा देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा व्यापारी को इंप्लीमेंट करना चाहिए भारत में, बिजनेसमैन पैदा करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ मैं भारत सरकार से एक और अपील करना चाहूंगा कि जीएसटी जो कि गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, जिसे आप फुल फॉर्म समझ लेते हैं लेकिन समझते नहीं क्या होता है, मैं बताता हूँ, एक्चुअली ये लास्ट कंज्यूमर पे इंप्लीमेंट होता है जीएसटी। अगर आप ये खरीदते हैं, मेरे द्वारा ये बेचा जाता है, लास्ट कंज्यूमर कौन है उस पे इंप्लीमेंट होता है जीएसटी। तो मैं भारत सरकार से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, भारत सरकार का मैंने कहा कि उन्होंने ये भी अच्छा काम किया, लेकिन वो भी बता रहा हूँ उन्होंने क्या अच्छा काम नहीं किया, उसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। तो भारत सरकार को क्या चाहिए, इनकॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा एमएसएमई को पैसा नहीं दिया गया, लेकिन जो लोन लिया गया था उसके ऊपर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का लोन लिया गया, और 1 करोड़ पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, मान लीजिए 18 लाख या 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये
टैक्स चाहिए ही चाहिए जीएसटी के रूप में। तो मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा, अगर आपको टैक्स लेना ही लेना है, जब पैसा कॉर्पोरेट सेक्टर से एमएसएमई व्यापारियों को मिल जाए तभी आप उससे टैक्स ले, वरना अभी ना ले। उसके पास वैसे भी वर्किंग कैपिटल नहीं है पीछे ताकि इतने सारे डाटा को क्लियर कर सके, अच्छे से मैनेज हो सके। इसीलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि जीएसटी पे इम्प्लीमेंट करें, जीएसटी को थोड़ा सूझबूझ कर इम्प्लीमेंट करें एमएसएमई सेक्टर पे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो आपका समाधान योजना के तहत, समाधान योजना के तहत अगर ये सारे इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तो भारत सरकार को योजना पे योजना बनाने की जरूरत ही क्या है। जब इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा किसी योजना का तो बनाने की जरूरत नहीं, मत बनाइए। इसीलिए कह रहे हैं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, न पक्ष न विपक्ष उदासीन रह के मैं बात कर रहा हूँ कि भारत सरकार को ये सारे काम करने चाहिए, सारे अपनाना चाहिए, सारे चीज कि ये काम करने चाहिए उनको। और मैं बता दूं जीएसटी पेमेंट जो है तभी लें जब उनके पास फुल पेमेंट आ जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं है और मुझसे ही मेरे उधार वाले जो मुझे कर्ज दे रखे हैं मुझसे पैसा मांग रहे हैं, तो क्या मैं इस सिचुएशन में दो ही चीज करूंगा, या तो हार के पूरा सब कुछ छोड़ के घर में बैठ जाऊंगा, नहीं तो मैं सुसाइड करूंगा। तो क्या भारत सरकार यही चाहती है? नहीं चाहती है ना, मुझे पता है ऐसा नहीं चाहते। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, ना कांग्रेस चाहेगी, ना बीजेपी चाहेगी, ना आम आदमी पार्टी चाहेगी, ना कोई भी सरकार, ना अमेरिका की सरकार चाहेगी, ना जापान, ना चाइना की सरकार, कोई सरकार नहीं चाहेगी। इसीलिए आप जब तक टैक्स ना लें, जब तक इनके पास फुल पेमेंट ना आ जाए। आज था पूरा बजट के ऊपर, बजट 2023-24 जो कि भारत के निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा निकाला गया था, आज पहला टॉपिक था एमएसएमई। और अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम मिलते हैं, उसमें हम बात करेंगे स्टार्टअप के ऊपर, कितने स्टार्टअप है भारत में, इसमें कितना बजट में एलोकेट हुआ है पैसा, क्या इसमें फायदा रहा, क्या नुकसान रहा, कितना क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किए भारत सरकार के द्वारा बजट में, ये सारे अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।